इसका पेट खाली है, इसको भरने के लिए कुछ दीजिए। बहुत दूर पे रखे उठा के। 2 रुपए। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनम कश्यप, कैसे हैं आप सब? और आज है नेक्स्ट डे। कल मैंने आपको बताया था मुझे मार्केट जाना है, उसके बाद मैंने व्लॉग एंड कर दिया था। और मार्केट किस लिए गई थी मैं, वो आपको पता चल जाएगा। और आज यहाँ का मौसम बहुत खराब है। रोज सुबह जो है मौसम खराब रहता है, लेकिन उसके बाद धूप निकल आती है, लेकिन आज धूप नहीं निकली है। हल्के हल्के से बादल हैं, और सुबह मम्मी बताई थी कि हल्की हल्की सी बारिश भी हुई है। और मैंने कल नेल पेंट लगाया, बहुत टाइम बाद मैंने नेल पेंट लगाया। और अभी आने के बाद मैंने मम्मी और सोनल से बात की, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, और अभी मैं जा रही हूँ। ये कपड़े रखे हुए हैं, इन्हें तह करके अलमारी में लगाना है। और ये मुझे आज बेडशीट इसकी चेंज करनी है। मौसम खराब है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें चेंज करूंगी, क्योंकि इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छा है कि वॉशिंग मशीन में ड्रायर इसको करने के बाद आराम से आप इसे रूम टेम्परेचर में भी सुखा सकते हैं, सूख जाएगा। तो मैं आज इसको चेंज करूंगी। कल करने वाली थी, कल कर नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो चलिए ये काम कर लेते हैं। और हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, 4:15 बज रहा है, तो बोला था उन्होंने कि अभी टाइम से आ जाऊंगा, लेकिन अभी आए नहीं है। तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। बिल्कुल साफ है, इसे मैं ऐसे ही रखूंगी। बस इसके ऊपर दूसरा जो ब्लैंकेट है वूलन वाला, वो मैं इसके ऊपर बिछा दूंगी। से मैंने अपने आज बेड को जो है, आज नई बेडशीट मैंने बिछा दी है इस तरह से। और पिलो कवर भी मैंने चेंज कर दिया है। इस वाले पिलो कवर में मैंने 2 पिलो डाल दी हैं, और ये पिलो बहुत ज्यादा पुरानी है, इस वजह से इनकी रुई इधर से उधर हो गई है। लेकिन जल्दी मैं इनके साथ में कुछ करने वाली हूँ, मतलब इनका रीयूज करूंगी दूसरी तरह से, तो वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। रूम में ब्लोवर चल रहा है, इसलिए रूम में थोड़ी गर्मी है, और बाहर बहुत ठंडा है। मौसम भी आज ख़राब है, हमेशा धूप निकल आती है। सुबह मॉर्निंग में मौसम थोड़ा ख़राब रहता है, लेकिन उसके बाद धूप निकल आती है, लेकिन आज तो धूप भी नहीं निकली है। और ये पीछे मेरा गुल्लक रखा हुआ है, इसे मुझे कलर करना है, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। देखिए कब मिलता है। और हाँ, मुझे सृष्टि की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। परसों मेरी बात हुई थी उससे, तो बोल रही थी कि खिचड़ी, मकर संक्रांति है ना, मकर संक्रांति 14 तारीख को है, बोल रही थी खिचड़ी खा के आएंगे चाची, तो देखिए कब आती है वो। हर दूसरे तीसरे दिन बात होती रहती है हमारी उसकी वीडियो कॉलिंग से, तो उसकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे। और जब आ जाएगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलाऊंगी। और चलिए फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद में आपसे, ठीक है, बाय। क्या कर रही हो? आपका इंतजार। हाय हाय, बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल।
तो हस्बैंड जी आ गए हैं और चाय की डिमांड हो गई है। चाय की? चाय के मतलब अंडे रखे हुए हैं तो वो खराब हो जाए उससे पहले कि उनको बना के खा लिया जाए, है ना। तो उसके साथ में चाय भी तो होगी तभी तो अच्छा लगेगा, और मौसम भी आज बहुत ही अच्छा है ना। हो जाए चाय, चाय दिक्कत नहीं है। नहीं, चाय के साथ ही वो अच्छा लगेगा, और चाय का टाइम भी हो गया, 4 बज रहा है। ठीक है, चाय घर चलेंगे, दोबारा चाय पी लेंगे। आपने अभी पी है क्या चाय? मित्र यार थे मार्केट में। चलिए हम जा रहे हैं, बना के लेके आते हैं ऑमलेट। ये देखिए ये अंडे बचे हुए हैं, तो इन्हें लाए हुए काफी दिन हो गया है, तो इनको खराब होने से पहले बना के खा लिया जाए ज्यादा अच्छे हैं, वरना पैसे वेस्ट हो जाएंगे। चलिए फिर बना लेते हैं। मैंने जो ऑमलेट बनाया है आपको पता है, वही वाला जो हम लोग जब बस से जाते थे तो रामनगर में जो हम लोगों को मिलता था। तो ऑमलेट बन गया है, हम लोग खाने जा रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और जो वेजिटेरियन है वो स्किप कर दे वीडियो को, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो एंजॉय करे, और एक बार जरूर बना के देखिएगा। आज हस्बैंड कैमरा साई है तो आज वो कैमरे में नहीं आएंगे, है ना। तो चाय और ऑमलेट ब्रेड हो गया हम लोगों का, और मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए और अपना किचन भी साफ कर दिया है, लगे हाथ। हाँ,
ये काम सबसे पहले करना चाहिए, मतलब खाने पीने के बाद जो है किचन अच्छे से साफ कर देती हूँ, और डेटॉल से बढ़िया से मैंने इन्हें साफ कर दिया है, और इधर बर्तन भी वॉश कर दिया है। तो ये मेरा किचन इस तरह से क्लीन हो गया है। तो चलिए रूम में चलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में और 5 बज गए हैं, और अभी हमें जाना है पुराने वाले घर पे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे वहां से आने के बाद, ठीक है, बाय। हेलो दोस्तों, अभी अभी आई हूँ मैं पुराने वाले घर से यहाँ पे, क्योंकि देख सकते हैं आप पूरा पैक हूँ मैं, बाहर बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा। चलिए मैं मिलती हूँ, अभी ये सब चेंज कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है, फिर बातें करते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ अपने अवतार में, और आज मैं करूँगी अपना स्किन केयर। ये कितने दिन से रखा हुआ है और आज इसे मैं इस्तेमाल करूँगी। मुझे अभी लैपटॉप पे काम है, लेकिन अभी पति देव जी अपना काम कर रहे हैं, तब तक भी मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। और ये है गार्नियर का सेरम मास्क सकुरा वाइट, सुपर हाइड्रेटिंग पिंकीज ग्लो टिश्यू मास्क है ये। ये देखिए, फर्स्ट टाइम इसे मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ, और इसे 15 मिनट तक लगाना है अपने फेस पे, उसके बाद हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है अपने स्किन पे। और पहले ये 99 का था, अब ये 75 का हो गया है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लगा के देखते हैं कैसा है। और पति देव जी से एक काम है मुझे, सुनो, इसका पेट खाली है, इसको भरने के लिए कुछ दीजिए। दो रुपए? दो रुपए से इसका पेट नहीं भरता है, पेट है कि इंडिया गेट है? तो अठन्नी का जमाना चला गया है, अठन्नी तो चलती भी नहीं है। ले लो, 10 रुपए ले लो। तुम्हारा दिमाग किस पे लगा हुआ है, कौन से बड़े नोट पे लगा गया है? हाँ, मेरा दिमाग पता है मेरी नजरें किस पे है, मैं आपको दिखाती हूँ किस पे मेरी नजरें। देखिए मेरी नजरें हैं इस पे नहीं, इस पे। बोलो, ले लो भाई, दोनों इस पे ले लो। चलो कोई बात नहीं, ये ले लेती हूँ, ठीक है। देखो, बूंद बूंद से सागर भरता है, 10 रुपए है। चलो एक ये 2 रुपए का सिक्का ले रही हूँ, चलो जाओ जाओ जाओ। तुम भी चले जाओ अंदर, बाय टाटा। अभी मैं जा रही हूँ अपना स्किन केयर करने। तो सबसे पहले अभी मैंने फेस वॉश नहीं किया है क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश नहीं किया है, तो मैं लगाऊंगी एप्पल साइडर विनेगर अपने फेस को क्लीन करने के लिए। एक कॉटन पैड लेंगे, और मैंने कल हेयर कट करवाया अपना, कैसा है दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा नया हेयर कट, और ये है 2021 का मेरा नया लुक। हाँ, दो मुहे बाल थे, बाल बढ़ नहीं रहे थे, ग्रोथ नहीं हो रही थी, हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सा बदलाव लाया जाए। तो कैप लगाने की वजह से भी मैं चिपकू चिपकू हो गई हूँ, जब हेयर वॉश करूंगी ना तब आराम से आएगा। और कल ये मार्केट से मैं अपने लिए हेयर बैंड लेके आई हूँ, इसको मैं लगा लेती हूँ। चलो भैया बहुत हो गया, अब इसको लगाया जाए। और इसे 15 मिनट तक लगाए रखना है, ठीक है।
बज रहा है 10:31 हो रहा है, तो इसे 15 मिनट तक लगाए रखना है, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। 10:48 हो गया है, तो अब मैं ये मास्क को हटा दूंगी। अब ये जो फेस पे जो सेरम लगा हुआ है ना, इसको अच्छे से मसाज करना है अपने फिंगर से। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको मसाज कर लिया है और ये मेरे स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है और स्किन भी ग्लो कर रही है, देखिए चमक रही है यहाँ पे। काफी टाइम से मैंने अपनी स्किन केयर नहीं करी थी, और लास्ट में मैं ये बायोटिक का लिप बाम लगाऊंगी। तो ये लिप बाम बहुत ही अच्छा है, देखिए ये आपके लिप्स को काफी लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेट रखता है। तो ये हो गया है, और चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। और आज का ब्लॉग यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय।